जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ आपको समझाया हुआ है कि रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कॉइल क्या है, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है और क्रिस्टल क्या है, एक एक करके सारा चीज़ आपको समझाया हुआ है। लेकिन आज हम जो चीज़ सीखने वाले हैं ये ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं। ये मुझे लगता है शायद आपका शायद 8वीं क्लास का वीडियो होगा। ट्रांसफार्मर को क्या होता है, मोबाइल फ़ोन की भाषा में म्यूचुअल कपलर भी बोला जाता है। म्यूचुअल कपलर का मतलब क्या होता है, ऐसा कपलर, तो कपलर से हमें को समझ में आ जाता है कि मतलब किसी चीज़ को कपलिंग करे, मतलब जोड़े, मतलब दो चीज़ों को जोड़े, तो ये क्या होगा, कपलर हो गया। इसीलिए उसे म्यूचुअल कपलर भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल कपलर भी बोला जाता है। या एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल पास करता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को पास करता है। मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या रहता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को पास करता है। जितने भी सारे मोबाइल फोन होते हैं जहां पर भी लगा होगा तो सिग्नल को पास करेगा। तो जब सिग्नल पास करने की बात आती है तो जाहिर सी बात आती है, या तो आपको नेटवर्क सेक्शन में मिलेगा, या तो आपको वाईफाई सेक्शन मिलेगा, या तो आपको ब्लूटूथ सेक्शन में मिलेगा। तो ये तीन जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि तीन जगह पर ही हमारे सिग्नल आते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर का काम हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिलहाल जो मोबाइल फ़ोन में रहता है, मोबाइल फ़ोन में यही काम रहता है कि सिग्नल को पास करता है। बाकी अदर कामों में उसका कई सारे अलग अलग काम होते हैं। बड़े हैवी साइज़ का आता है, एम्पियर को क्रिएट करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है, या वोल्टेज को कई हिस्सों में कन्वर्ट कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में क्या काम करेगा, सिग्नल को पास करेगा। अब हम बात करेंगे रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है बनावट, उसको डिजाइन कैसा होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है 6 पिन का होता है, इसमें डॉट लगा होता है। ये डॉट जो रहता है ब्लैक कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है। इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी पूरी कैसी होती है, वाइट कलर की पाई जाती है। इसमें 3 पिन ऊपर होती है, 3 पिन नीचे होती हैं, या ये इसकी बॉडी वाइट कलर की पाई जाती है, किसी किसी फ़ोनों में ब्लू कलर की भी हो सकती है। ये डॉट ब्लैक या ग्रे या वाइट कलर का भी समथिंग डॉट हो सकता है। इसके अंदर जो पिनें होती हैं 6 पिन का भी होता है और 8 पिन का भी हो सकता है। ये रियल शेप। अब बात करेंगे डिनोटिंग लेटर। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है ये होता है टी। इसका डिनोटिंग लेटर क्या रहता है, टी। अब आप ये सारी चीज़ों को एक एक करके वन बाय वन करके सारी चीज़ों को नोट करिए। अब बात करेंगे डिनोटिंग लेटर के बाद हम बात करेंगे इसका सिंबल। सिंबल का मतलब होता है निशान। इस तरीके इसका क्या रहता है, सिंबल रहता है। वर्क, इसका काम रहता है सिग्नल को पास करना। इसका काम क्या रहता है, सिग्नल को पास करना। अब बात करेंगे टेस्टिंग की। टेस्टिंग, इसको चेक कैसे करेंगे, इसका चेक करने का तरीका रहता है, क्या रहता है टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। आप इसे जब चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं चेक करने पर आमने सामने की पिन में बीप दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, बीप पॉइंट पर सेट करने पर, चेक करने पर आमने सामने की पिन में बीप दे तो ओके। फॉल्टी,
बीप ना दे तो खराब है। अगर इसे आप ट्रांसफार्मर को जब चेक करेंगे तो अगर आमने सामने की पिन में बीप देता तो सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। अगर आप जब चेक करेंगे तो ये 6 पिन का होता है, 6 में से क्या होता, कोई भी एक लेग अगर बीप दे देती तो सही है। अब देखिए बोर्ड में लगा कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले लगा होता है आपका एंटीना, ऐसे एंटीना से सिग्नल आता है, सिग्नल आते हुए आगे जाता है, एक आपका गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, फिर यहाँ पर कंपनी लगा देती ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से सिग्नल फिल्टर होता है, सिग्नल बूस्ट होते हैं, सिग्नल आगे की तरफ ऐसे निकल जाते हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, ये नेटवर्क जो भी सिग्नल होते हैं उस नेटवर्क सेक्शन को एक कपलिंग का काम कर रहा है, कपलिंग का मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इसका एंटीने का जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी आईसी तक की, तो फिर आपका आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा, नेटवर्क वीक हो जाएंगे या सेट में नेटवर्क आना ही छोड़ देगा। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसे चेंज कर दीजिए, नहीं चेंज करना चाहते आप इसे उतार कर फेंक दीजिए, आप देखेंगे एक लाइन इधर से आ रही हो, इधर से जा रही, तो जो लाइन इधर से आ रही हो, इधर से जा रही हो, आप वहाँ से उठा करके आप ऐसे जंपर मार देंगे, आपके नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएंगे। या तो आप इसे हटा ही दीजिए, इसके नीचे 6 पॉइंट निकलेंगे उनको आप आमने सामने जंपर मार दीजिए तो भी हो जाएगा, वरना हमको ये पॉइंट आते हैं और जाते हुए दिखते हैं। देखिए मैं आपको बोर्ड में दिखाता भी हूँ, आइए देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये छोटा सा फ़ोन है, जियो का फ़ोन है। मल्टीमीटर को हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले बीप पॉइंट पर सेट किया, उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, आप यहाँ सर को गौर से दिखाइए, ऊपर से करिए कैमरे को, ये आपका एंटीना का पॉइंट होता है, एंटीने से देखिए, अगर ये बारीक से देखेंगे ये लाइन आ रही है और ये लाइन यहाँ से होते हुए फिर ये बारीक से लाइन जा रही है आपके ट्रांसफार्मर पर, ये लग रहा है ट्रांसफार्मर। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर आपके ट्रांसफार्मर पर जा रही है, फिर उसके बाद तब आईसी पर सिग्नल जा रहा है। तो ये अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे। देखिए वाइट कलर की बॉडी है और इसमें ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट लगा हुआ है, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, अगर आप इसके पॉइंट को चेक करेंगे, चेक करने पर क्या होता है, ये बीप दे देता है, क्या देता है, बीप देता है, तो इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर ओके है, अगर बीप नहीं देता तो ट्रांसफार्मर क्या है, ख़राब है। ये देखिए ये चेक करने पर क्या दे रहा है, बीप दे रहा है, तो यहाँ से सिग्नल आएगा, स्पिन पे आ रहा है, स्पिन से आने के बाद फिर ये सिग्नल इधर को जा रहा है, फिर ये लाइन आगे जा रही है, तब आईसी पे जा रही है। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के बीच में एंटीने के बीच में जो कपलिंग हो रही है ये क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ख़राब हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर जंपर मारना पड़ेगा, मतलब जो इसका लाइन आ रही हो जा रही उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये मोस्टली नेटवर्क सेक्शन में पाया जाता है और ज़्यादातर आपको ब्लूटूथ वाईफाई इन सेक्शनों में पाया जाता है। तो ये ख़राब हो जाता है तो उससे जो संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो काम आ जाती है। जैसे क्या काम आ जाती है कि मतलब नेटवर्क में ख़राब हो जाएगा तो नेटवर्क आना छोड़ देगा, और ब्लूटूथ में ख़राब हो जाएगा तो ब्लूटूथ काम करना बंद कर देगा, वाईफाई में ख़राब हो जाएगा तो वाईफाई की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जैसा कि मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में आपको समझाया हुआ है, चेक करके दिखाया हुआ है, बोर्ड में आपको दिखाया हुआ है, एक एक करके सारे स्टूडेंट है इस सब चीज़ों को सीखिए, सीखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैंने आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, वही अपना नंबर है 6391711711, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए ताकि मैं भी समझूँ कि आपको जो भी सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, वो आपको जेन्युइन तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप उनको काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू दोस्तों।